Dear friends, I am Majid from Pakistan. Now we'll discuss the most important novels, Pride and Prejudice. It's written by Jane Austen. It is generally and frequently said that Jane Austen has limited range. Why is it so? Because she was born in a religious family. Her father was a clergyman. So Jane Austen has a limited range. Friends, please subscribe my channel and push the bell button icon so that you may get new video. Now I would like to invite the legend of history of English literature, the legend of our college, lecturer, a very famous lecturer of English literature, a very famous lecturer of English subject, Mr. Fazal. I would like to invite Mr. Fazal, please come here and elaborate the Jane Austen famous novel Pride and Prejudice and share his experience of lectureship with us. Please, Mr. Fazal. Hi dear friends, I am Fazal Ahmed and I am going to describe the Urdu summary and Hindi summary of Pride and Prejudice. Let's discuss about five unmarried daughters of the family of Mr. Bennet. There are five unmarried daughters. First, Jane Bennet, Elizabeth Bennet, Mary Bennet, Kitty Bennet and Lydia. जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो समरी है उर्दू और हिंदी में ये मुकम्मल तौर पर मिस्टर बैनट के ख़ानदान में इन्वॉल्व है, उसके गिर्द घूमती है. मैं बताना चाहता हूँ, आए हम डिस्कस करते हैं इस फैमिली के बारे में. मिसिस बैनट जो है वो अपनी पांच गैरशुदा शादीशुदा बेटियां हैं, वो चाहती है कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए. वो अपने बेटियों के बारे में दिन रात ख्वाब देखती है कि उनकी शादियां किसी अच्छे ख़ानदान में हों. तो कुछ दिनों बाद मिस्टर बिंगले अपनी दो बहनों के साथ मिस कैरोलिन और मिसिस हर्सट के साथ उनकी हमसाय में आके रहना शुरू कर देता है. और साथ उसका दोस्त एक मिस्टर दासी, वो भी उनके साथ आके रहना शुरू कर देता है. और जो ही मिसिस बैनट को पता चलता है कि एक गैर शादीशुदा और माकूल आमदन वाला शख्स उनके हमसाये में आकर रहना शुरू कर देता है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाती और वो चाहती है कि उसकी किसी एक बेटी का रिश्ता उस मिस्टर बिंगले के साथ हो जाए. तो एक पार्टी में मिसिस बैनट का जो ख़ानदान है, उसकी जो बेटियां हैं और मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी, ये इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे डांस करते हैं. मिस्टर बिंगले जो है वो जेन पर नज़र रखता है और उसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है. और मिस्टर डार्सी एक मगरूर शख्स है और इसके इवज़ में मिस्टर बिंगले एक मिलनसार शख्स है. और मिस्टर डार्सी जो है वो अपने आप पर गुरूर करता है क्योंकि वो खूबसूरत होता है. और मिस्टर बिंगले जो है उसे कहता है कि अपनी तवज्जा एलिजाबेथ पर मजबूर करें, लेकिन वो एक बात कहकर डाल देता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि वो मुझे मुतासर कर सके. ये जुमला फिर रिपीट करता हूँ कि डार्सी कहता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे जो वो मुतासर कर सके, मैं उसकी खूबसूरती से मुतासर हो सकूं. लेकिन कुछ दिनों बाद जो है मिसिस बैनट की जो बेटी है एलिजाबेथ, उसको पता चलता है कि ये एक मकरूह शख्स है, वो उसे नापसंद करती है और उस पर उसका जो तअसब है वो बढ़ जाता है. और मिस्टर बिंगले जो है वो जैन से मुहब्बत शुरू करना शुरू कर देता है. और जो मिसिस बैनट है वो मौके तलाश करती रहती है कि इनकी दोनों की सीटिंग हो जाए कहीं ना कहीं. उनकी सीटिंग बढ़ती रहती है डे बाय डे. और
जो मिस्टर बिंगले का दोस्त मिस्टर दासी है, वो अपनी जरा भी तवज्जो मिस्टर दासी जो है वो एलिजाबेथ पर नहीं देता। मिसेस कॉलन जो है वो मिसेस बेनेट का भतीजा है, मिसेस बेनेट का कोई बेटा नहीं होता और विरासत में मिस्टर कॉलन को उसका वारिस बनना होता है। और उसके बाद दासी की एक आंटी है, दासी की आंटी है जो कि बहुत ही मिलनसार और नेक खातून है, तो जो उसका चर्च है वहाँ दासी अक्सर उसे मिलने जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती रहती है। तो जो उसका तासुब है, दासी की बहन होती है, वो उसका तासुब दूर कर देती है और उसे पता चल जाता है कि ये एक अच्छा करैक्टर वाला आदमी है, शख्स है। तो उसका तासुब ख़त्म होता जाता है, तकब्बर ख़त्म होता जाता रहता है। और जो मिस्टर गार्जियंस है वो जब दोस्तों जो मिस्टर विकम है और लीडिया जो है वो जेन एलिजाबेथ को खत भेजती है कि वो दोनों भाग गए हैं, और जो उनका अंकल है मिस्टर गार्डियन सर वो उनकी तलाश करता है और उनको ढूंढ लेता है। तो जो मिस्टर डार्सी है वो उनको पैसे देता है कि आप शादी कर लें, इसलिए इस पैसे देता है कि ये एलिजाबेथ की ऑनर का सवाल है, कि इसकी इज्जत का सवाल है, कि इसकी इज्जत में कोई कमी ना आए। तो फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि इसमें तीन शादियां कामयाब होती हैं, डार्सी एलिजाबेथ की और मिस्टर बिंगले की और जो है मिस्टर कॉलन शार्लेट के साथ। और जो शार्लेट है वो अपना एंड पर हमें तजिया मिलता है कि शार्लेट कहती है कि औरत को गर्ल को शादी माशी ज़रूरियात के लिए करनी चाहिए, लेकिन उसका ये तजिया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर शादी बाद में मतलब पता चलता है कि शादी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बिना पर करनी चाहिए, माशी ज़रूरियात के लिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी उर्दू और हिंदी में पसंद आई होगी। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सर माजिद फ्रू टू एंड द नावल प्लीज। डियर फ्रेंड्स, subscribe my channels because we are going to upload a huge collection of MCQs of English literature and push the bell icon button so that you may get my new video. Thanks. Allah Hafiz.